अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खतरनाक स्टंट से भरपूर मिशन इम्पॉसिबल 7 का पहला ट्रेलर जारी हो गया है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्में खतरनाक स्टंट्स और तजस्सुस से भरी कहानी के बाइस दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। अब इस सीरीज की 7वीं फिल्म का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें टॉम क्रूज एक बार फिर सांसें रोक देने वाले स्टंट करते नजर आए। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकिंग पार्ट 1 की शूटिंग कोरोना वायरस की वबा के बाइस काफी अरसे तक तातुल का शिकार रही और अब ये 14 जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी। इसके पार्ट 2 को 28 जून 2024 में रिलीज किया जाएगा और दोनों फिल्मों की हिदायत क्रिस्टोफर मैकवायर देंगे। मिशन इम्पॉसिबल 7 में टॉम क्रूज के साथ उनकी टीम में शामिल रिबिका फर्गोसन, टाइम पेग और वाइनिंग रेमस की वापसी भी होगी, जबकि चंद नए किरदारों को भी मुतारिफ कराया जाएगा। फिल्म के ट्रेलर से कहानी के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर बज़ाहिर ये किसी किस्म के बायोलॉजिकल हथियार के गिर्द घूमती है। इसी तरह टॉम क्रूज दीवाना वार ड्राइविंग और भागते हुए नजर आए, जबकि हैरान कुन स्टंट्स की झलकियां भी पेश की गई। ख्याल रहे कि 2021 में एक इंटरव्यू के दौरान टॉम क्रूज ने बताया था कि मिशन इम्पॉसिबल 7 में उन्होंने अपनी जिंदगी का खतरनाक तरीन स्टंट किया था, जिसमें जरा सी गलती भारी पड़ सकती थी। टॉम क्रूज का कहना था कि एक्शन सीन में उन्हें मोटर बाइक पर बैठकर पहाड़ी के किनारे से नीचे जंप लगाने का मंजर अक्स बंद कराना था। उस दौरान हवा बहुत तेज थी, फिर शूटिंग करने वाले